नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके साथ घर में शैम्पू बनाने का तरीका शेयर करने वाले हैं। घर पर बने इस शैम्पू से हमारे बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो झड़ना तुरंत बंद हो जाएगा। और कुछ टाइम इस शैम्पू का इस्तेमाल करोगे तो नए बाल उग आएंगे और समय से पहले सफेद हुए बाल काले भी हो जाएंगे। शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और आप देखते होंगे जितनी भी तेल का प्रचार आता है उसमें आप देखेंगे किसी न किसी रूप में आंवला जरूर इस्तेमाल किया गया होता है। तो सबसे पहली चीज़ लेनी है हमें आंवला पाउडर। इस शैम्पू को बनाने के लिए हमें दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है भृंगराज का पाउडर। इस भृंगराज से हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। ये भृंगराज एंटी फंगल भी है, जो हमारे बालों में फंगल प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि डैंड्रफ हो गया, स्कैल्प में खुजली होना, इन सब में राहत देती है। तीसरा पाउडर जो हमें चाहिए इस शैम्पू को बनाने के लिए वो है रीठा का। रीठा में भरपूर मात्रा में विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। इसके अंदर आयरन होता है बहुत बढ़िया मात्रा में, जो नए बालों को उगाने में मदद करता है। रीठा से बालों में डैंड्रफ कभी नहीं होता है। रीठा बालों के ड्राइनेस को ख़त्म करता है और धूल मिट्टी और तेल जो बालों में लगे रहते हैं उसे आराम से निकाल देता है। बाल हमारे चमकदार और मुलायम बनते हैं। अगली चीज़ जो हमें लेनी है वो है सिकाकाई पाउडर। भारत में सदियों से बालों के लिए सिकाकाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। सिकाकाई से बाल उलझते नहीं है, शाइनी सिल्की हमारे बाल बने रहते हैं और बालों को बढ़ने में भी ये मदद करता है। अगली चीज जो हमें लेनी है वो है हिबिस्कस पाउडर, यानी कि गुलहर के फूलों का पाउडर। ये हमारे बालों को सॉफ्ट करता है। समय से पहले जो बाल सफेद हो गए हैं या ग्रे हो गए हैं उन सब से हमें ये बचाता है। अगली चीज जो हमें लेनी है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम फेस पर तो इस्तेमाल करते ही है चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। स्कैल्प से ऑयल को हटाता है, जो भी धूल मिट्टी होती है उसे भी बड़ी ही आसानी से बालों से निकाल देता है। दूसरा फायदा ये भी है कि ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशनर का काम करता है। अगर आप मुल्तानी मिट्टी को बालों पर यूज करते हो तो बाल उलझेंगे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और एक एक बाल अलग अलग फील होगा आपको। अब देखते हैं इस शैम्पू को हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले एक थोड़ा बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें मैं डाल रही हूँ अभी रीठा पाउडर। तो रीठा पाउडर यहाँ पर मैं 6 चम्मच डाल रही हूँ। छह चम्मच हमने रीठा पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आंवला पाउडर। तो जितना हमने रीठा पाउडर डाला है उसका आधा हम इसमें आंवला पाउडर डालेंगे, यानी कि 3 चम्मच। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच आंवला पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे भृंगराज का पाउडर, तो ये भी हम सिर्फ 3 चम्मच ही डालेंगे। अब इसमें जाएगा गुड़हल के फूलों का पाउडर, तो इसे भी हमें सिर्फ 3 चम्मच डालना है। अगली चीज जो हमें इसमें डालनी है वो है सिकाकाई पाउडर, तो सिकाकाई पाउडर को भी हमें 3 चम्मच ही डालना है। सिर्फ रीठा का जो पाउडर था वो हमने 6 चम्मच लिया है, बाकी यहाँ पर हम सारी चीजें 3-3 चम्मच लिए हैं। यहाँ पर मैं मुल्तानी मिट्टी डाल रही हूँ, ये भी 3 चम्मच ही डाली हूँ। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। जितने भी इसमें हमने पाउडर डाले हैं सारे अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए।
यहाँ पर देखिए हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा शैम्पू पाउडर के रूप में तैयार हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इसे बालों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो 2 चम्मच यहाँ पर ये पाउडर लेना है 1 लोगों के लिए। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं और ये जो बाकी का पाउडर है इसे इसी तरह से खुले में नहीं रखना है। खुले में रखेंगे तो वो पाउडर खराब हो जाएगा, इसीलिए एक कांच का सूखा साफ बर्तन लीजिए और उसमें भरकर और बंद करके रख दीजिए। जिस भी चीज में आप रख रहे हैं तो एयर टाइट होना चाहिए। ध्यान रखिए कांच का ही आपको बोतल लेना है। अब जार के ढक्कन को टाइट से बंद करके रख दीजिए और अब जब भी आपको बाल धोना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें कर लेना है पानी गर्म। तो ये जो 2 चम्मच हमने ग्लास में पाउडर डाला है इसमें हमें डालना है गुनगुना से थोड़ा सा ज्यादा पानी गर्म होना चाहिए। तो इसमें 1/2 ग्लास पानी डालिए। पानी को पाउडर के साथ अच्छे से मिला लीजिए और इसे ढककर रात भर रख देना है। अगले दिन सुबह जब आपको बाल धोना है तो इसमें नॉर्मल पानी आपको डालना है। तो जितना अभी हमने पानी डाला है उतना ही फिर से इसमें पानी डालना है और धीरे धीरे अपने बालों पे डालते जाना है। बालों को हल्के हाथों से आपको रगड़ते जाना है और पूरे बालों में इसे अच्छे से लगाकर और हल्के हाथों से बालों की मालिश करते हुए आपको साफ कर लेना है। मार्केट के केमिकल वाले शैम्पू जितना इसमें झाग तो नहीं बनेगा, पर बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे। जो गंदगी होगी, धूल होगी, मिट्टी होगी, सारे निकल जाएंगे। यदि आप इस शैम्पू का इस्तेमाल सप्ते में 2 बार करते हैं तो समय से पहले यदि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं या ग्रे हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। यदि आपके बालों में डैंड्रफ हो गई है, बाल यदि आप साफ कर लेते हैं फिर भी उसमें खुजली होती रहती है, इन सब परेशानियों से भी ये बचाएगा और आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा। दूसरा तरीका भी है इस पाउडर को अपने बालों में लगाने का। इस पाउडर को 2 से 3 चम्मच लेना है। गर्म पानी के साथ पाउडर को मिलाकर जिस तरह से मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं उतना गाढ़ा पेस्ट बना लेना है और 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देना है। 1/2 घंटे बाद उस पेस्ट को जिस तरह से बालों में हम लोग मेहंदी लगाते हैं उसी तरह से लगा लेना है और सिर्फ 10 मिनट रखना है। 10 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा बालों में पानी डालते हुए और पूरे बालों पर अच्छे से पेस्ट को लगा लें और इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए बालों को बढ़िया से साफ पानी से धो लें। आप देखेंगे कि बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आपको दोनों तरीकों में से जो तरीका बेहतर लगता है उस तरीके से इस पाउडर को अपने बालों में लगाएं और अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ 1 लाइक कर दें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।